Haryana versus Chandigarh. जिस प्रकार से मैच भी शुरू हो चुका है, जर्सी नंबर 4 रौरे आते ही छलांग लगाकर प्लेयर के ऊपर से जाना चाहते थे, लेकिन काफी अच्छा एंकल होल वहां पर, पहली पॉइंट यहां पर हरियाणा के लिए। रिप्ले में देख सकते हैं जिस प्रकार से प्लेयर जो राइडर छलांग लगाकर निकलना चाहते थे, यो लाजवाब दूसरा पॉइंट यहां पर हरियाणा, दूसरा पॉइंट 20 सेकंड में ही दूसरा पॉइंट यहां पर लेते हुए हरियाणा। काफी अच्छा प्रेशर यहाँ पर, जिस प्रकार से पहली शुरुआत में जिस प्रकार से पॉइंट्स आते हैं तो समझिए प्रेशर आगे की टीम के लिए जरूर होगा। ओहो, फिर से एक बार लाजवाब एंकल होल्ड, पूरी टीम का एफर्ट यहाँ पर नजर आता हुआ। फिर से एक बार तीसरा पॉइंट, जब आप राइडिंग जाते हैं तो पॉइंट लेकर आते हैं और साथ ही साथ जो राइडर के लिए आता है उसके बांध कर रखते हैं और राइडर को मौका ही नहीं दे रहे यहाँ पर हरियाणा की एंटायर टीम। और चार प्लेयर्स कोर्ट पर मौजूद चंडीगढ़ के कोर्ट पर और साथ ही साथ हरियाणा के राइडर, चार नंबर जर्सी। जी हाँ, जयपुर चेयरपर्सन सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट का तेलंगाना स्टेट। फिर से बार प्रयास यहाँ पर जरूर की थी और लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर पर जाकर टच पॉइंट लेने की कोशिश और साथ ही साथ किस प्रकार का मौका ही नहीं दे रहे यहां पर हरियाणा, एक मजबूत स्थिति पर खेल रहे हैं। जर्सी नंबर 12 और राइडर मैदान पर जाते ही कोर्ट पर मौजूद और इसी के साथ फिर से एक बार प्रयास जरूर कर रहे हैं लेफ्ट कॉर्नर से और राइट कॉर्नर पर, राइट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर पर जाते ही। और यहां पर क्या है, एम्प्टी राइट होगा? जी हाँ, एम्प्टी राइट, 3-0 हरियाणा 3 पॉइंट और चंडीगढ़ अभी तक खाता ही नहीं खोल चुके हैं। फुल टीम लेकर हरियाणा और चार प्लेयर्स लेकर चंडीगढ़ कोर्ट पर मैदान मौजूद और इस बार ओहो लपट दिया, लपटने की कोशिश और साथ ही साथ मिडलाइन को बढ़िया आराम से टच करते हुए। जी हाँ, 4 पॉइंट अभी तक। और यहाँ पर लास्ट पॉइंट टच रिप्ले में देखते हुए जिस प्रकार से मिडलाइन पर जाकर टच करते हुए ऊंचे खत के खिलाड़ी अपने हेड का भरपूर इस्तेमाल करते हुए हरियाणा और चंडीगढ़ के बीच खिलाया जा रहा है इस महान मुकाबला। राइडर जर्सी नंबर 7 चंडीगढ़ के राइडर आए हैं राइट कॉर्नर पर कोशिश और यहाँ पर एंकल टच करने की कोशिश, हालांकि बोनस लेने की कोशिश भी जरूर की है वहां पर। देखना यह होगा कि और किस प्रकार से इन्हें बांध कर रखने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर चैन बिल्ड हो चुकी है और इस बार लिपट दिया और अंदर पॉइंट पर हरियाणा और एक बोनस पॉइंट यहां पर चंडीगढ़ के लिए। और अगर मात्र 2 प्लेयर ही बाकी रह गए चंडीगढ़ पर और यहां पर वह और राइडर जाकर शेक हैंड की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, लास्ट तक भरपूर प्रयास की था लेकिन मछली की तरह छलांग लगाकर आगे निकलते भी और यहां पर साथ ही साथ ऑलआउट, ऑलआउट के साथ ही साथ पूरे 3 पॉइंट आते हुए हरियाणा को। कोशिशें जरूर भरपूर की थी लेकिन और यहाँ पर राइडर को रोक नहीं पाए और इसी के साथ ऑल आउट के बाद फिर से एक बार फुल टीम लेकर चंडीगढ़ के राइडर अभी भी कोर्ट पर राइड के लिए जाते हुए और एम्प्टी राइड रहा। और इसी के साथ जर्सी नंबर 12 हरियाणा इस मैच को में कमेंट्री देने के लिए मैं शोएब, मेरे साथ युद्धवीर सिंह। युद्धवीर, आपका स्वागत है। थैंक यू शोएब, आप बहुत अच्छी बढ़त यहाँ पर हरियाणा के पास है। फर्स्ट हाफ हालांकि 4 मिनट हुई अभी हुए लेकिन कितनी खूबसूरती से यहाँ पर छलांग लगाया था खिलाड़ी के बिल्कुल ऊपर से जाकर 2 पॉइंट हासिल किए यहां पर हरियाणा के रेडर ने 12 नंबर जर्सी
चंडीगढ़ के रेडर चेस नंबर 4 राकेश रेड के लिए तैयार। आओ इस बार किक लगाकर चेस पर टच करने की कोशिश, टच पॉइंट लेने की कोशिश, इस बार बोनस भी लेने की कोशिश। लेकिन युद्धवीर यहां पर जिस प्रकार से चंडीगढ़ पहले ही शुरुआत में ऑल आउट हो चुके हैं, मात्र 33.30 सेकेंड्स, 3.5 मिनट के अंदर टीम को ऑल आउट करती हुई यहां पर हरियाणा, जिस प्रकार से चंडीगढ़ प्रेशर में खेल रही थी, लेकिन फुल टीम लेकर आने के बाद तीन प्लेयर अभी भी कोर्ट के बाहर। बिल्कुल दबाव तो महसूस होगा क्योंकि आप पहले 3 मिनट पे अगर आप ऑल आउट हो जाते हैं तो एक बहुत ही साइकोलॉजिकल दबाव आपके ऊपर पड़ेगा और वो उस टीम का मनोबल बढ़ेगा जो लीड लेकर है। और देखिए हरियाणा के पास 11 अंक उनके, और इस बार डबल थाई और बहुत अच्छी रेड हो सकती है यहां पर जिस प्रकार से मुझे देख रहा है। एक अंक यहां पर मिड लाइन को टच नहीं कर पाए, बिल्कुल कुछ सेंटीमीटर से बच गए वहां पर। जर्सी नंबर 12। फिर से एक बार जर्सी नंबर 3 मंजीत चंडीगढ़ के राइडर मंजीत, इस बार हल्का सा स्ट्रेच करने की कोशिश लेफ्ट कॉर्नर पर, और इस बार टो टच करने की कोशिश और बहुत अच्छी तरह कुल्हाड़ी मारकर डुबकी लगाकर जिस प्रकार से कहते बोनस हासिल किया। इस बार एंकल को होल्ड किया और बहुत अच्छा टीम वर्क वहां पर, एक अंक यहां पर मिलेगा चंडीगढ़ के लिए। कोशिश जरूर की थी रेडर ने लेकिन बहुत ही अच्छा वहां पर टीम वर्क। हरियाणा 12 अंक और चंडीगढ़ 3 अंक। फिर से रेड के लिए आए हैं मंजीत, इस बार लंबा सा स्ट्रेच लेकिन कामयाब नहीं। बिल्कुल दोनों टीमों के लिए एक एक अंक शोएब, जिस प्रकार से वहां पर खेल हुआ है, रेडर को लॉबी में पुश किया था इसलिए एम्पायर ने दोनों टीमों को एक एक अंक दिया है। हालांकि यहां पर हरियाणा के पास अच्छी सी बढ़त है और एक बार ऑल आउट भी कर चुके हैं वो 3 मिनट में चंडीगढ़ को। जी हाँ बिल्कुल, जैसे बचवाल हरियाणा के राइडर अभी भी मैदान पर आ चुके हैं कोर्ट के अंदर जाते हुए और राइट प्लैंक और राइट कॉर्नर से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक आत्मविश्वास भरा राइडिंग यहां पर करते हुए ऊंचे खत के खिलाड़ी, एक अच्छा प्रदर्शन अभी तक हरियाणा के राइडर्स द्वारा। बिल्कुल अपनी ऊंची कद काठी का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं हरियाणवी खिलाड़ी। राकेश फिर से एक बार राइड के लिए तैयार, जर्सी नंबर 4 चेस नंबर 4, इस बार लेफ्ट कॉर्नर पर हल्की सी किक, राइट कॉर्नर पर गए लेकिन कोई असर नहीं। जर्सी नंबर 9, और जिस प्रकार से हम बात करें कि हरियाणवी की खिलाड़ियों की कद काठी बहुत ही अच्छी और उतनी तेजी के साथ देखिए अपने चंडीगढ़ के कोर्ट का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन इस बार कोई अंक नहीं, सेफ राइट। राकेश फिर से एक बार राइट के लिए तैयार, लंबा सा स्ट्रेच और अपील जरूर की थी और एक अंक मिलेगा टच पॉइंट के रूप में उन्हें। जर्सी नंबर 12 हरियाणवी खिलाड़ी रेडर रेड के लिए तैयार। जी हाँ, मैच शुरू होकर 10 मिनट में एंटर हो चुके हैं, अभी तक हरियाणा 13 चंडीगढ़ 6 पॉइंट लेकर
आगे बढ़ती हुई और इसी के साथ एक अच्छा टैकल यहां पर और साथ ही साथ एक पॉइंट जरूर मिलता हुआ चंडीगढ़ को। बिल्कुल डिफेंस बहुत ही अच्छा हो रहा है चंडीगढ़ का, जिस प्रकार से पिछले दो तीन डिफेंसों में उन्होंने टैकल किया और फिर से एक बार राकेश रेड के लिए तैयार। सुपर टैकल का मौका यहां पर है हरियाणा के लिए, देखना है क्या बोनस पॉइंट लेकर यहां पर से जाते हैं राकेश। टच पॉइंट की कोशिश और एक पॉइंट यहां पर मिला राकेश को। और यहां पर स्क्रिट होते हुए अपने समतुलन खोते हुए, जी हां एक बोनस बेनिफिशियरी ऑफ बोनस। हालांकि हरियाणा भी पहले टाइम आउट के बाद और दूसरे टाइम आउट जो पहला टाइम आउट के बाद जो जिस प्रकार से कमबैक की थी, ओहो लिपट दिया फिर से एक बार, भरपूर कोशिश की थी लेकिन इस बार पॉइंट पर रखना पाए। नतीजा हरियाणा एक बेहतरीन प्रदर्शन। और यहाँ पर दूसरे खिलाड़ी दूसरा प्लेयर दूसरा डिफेंडर काफी पूरी तरीके से देखते थे गए लेकिन मौका था वहां पर। जर्सी नंबर 4 हरियाणा के रेडर, दो दो की चेन बनाकर रेडर को रेड करने से रोकने की कोशिश चंडीगढ़ के खिलाड़ियों द्वारा। इस बार हल्के से एंकल टच करना चाहते थे, टू टच करना चाहते थे। जर्सी नंबर 3 मंजीत फिर से एक बार रेड के लिए तैयार और इस बार सुपर टैकल का मौका है हरियाणा के खिलाड़ियों के पास। टच पॉइंट मिलेगा यहां पर, बहुत अच्छा एंकल होल्ड करने की कोशिश की थी मंजीत ने, आपने आपको बचाया और कुलाटी मारकर मिड लाइन क्रॉस की। इस बार टू टच करने की कोशिश जर्सी नंबर 4 और यहां पर एम्प्टी राइट राकेश राइडर राकेश आए हैं। हालांकि फुल टीम लेकर राकेश चंडीगढ़ जी और इस बार ओहो हो लिपट दिया, इस बार पूरी तरीके से बांध कर रखा है और ये दो पॉइंट यहां पर गेन करती हुई हरियाणा। सुपर टैकल जिसे हम कहते हैं, बहुत अच्छा। देखिए टीम वर्क हार की दो ही खिलाड़ी थे लेकिन बहुत अच्छा सुपर टैकल। जर्सी नंबर 4 रेड के लिए तैयार। चलिए फिर से एक बार हरियाणा के खिलाड़ियों के ऊपर सुपर टैकल का मौका है क्योंकि तीन खिलाड़ी और राइडर ने कोशिश जरूर की और देखिए कोशिश कर ही रहे हैं और बहुत अच्छा सा वहां पर बैक होल्ड किया था जर्सी नंबर 9 ने। इसी के साथ टाइम आउट। रिप्ले में आप देख सकते हैं हालांकि एंगल होल्ड किया वहां पर, तीन ही खिलाड़ी मौजूद है और इस बैक होल्ड वहां पर जर्सी नंबर 9 के खिलाड़ी ने की थी और तीनों ने बहुत अच्छा टीम वर्क किया। ऐसा तारीफ करनी होगी वहां पर जर्सी नंबर 9 की और साथ ही साथ हरियाणा मात्र 3 खिलाड़ी शेष। फुल टीम और इसी के साथ हरियाणा के राइडर अभी अभी आए हैं जर्सी नंबर 4, हालांकि हरियाणा 19 और चंडीगढ़ 10 लेकिन फर्स्ट टाइम आउट के बाद मैच में कमबैक करती हुई चंडीगढ़ एक अच्छी स्थिति पर खेल रही है।
बिल्कुल जी हाँ, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हरियाणा के दो ही खिलाड़ी मौजूद है और चंडीगढ़ की पूरी टीम वहां पर है, तो एडवांटेज इस समय, हालांकि अंक जरूर उनके पीछे है, लेकिन एडवांटेज इस समय चंडीगढ़ के पास है। फिर से एक बार मंजीत आए हैं रेड के लिए, इस बार टच पॉइंट की कोशिश और लॉबी के बाहर पुश करते हुए दोनों खिलाड़ी, सुपर टैकल, दो अंक मिले गए यहां पर हरियाणा को। यही खासियत है यहां पर हरियाणा की, जिस प्रकार से सुपर टैकल करते हुए, हालांकि दो ही प्लेयर बाकी थे, लेकिन और इस बार मैच में फिर से एक बार धीरे धीरे कमबैक करते हुए हरियाणा, अनदर वन मोर पॉइंट। मुझे ऐसा लग रहा है शोएब, शायद आपकी बात हरियाणा के खिलाड़ी सुन रहे हो और आपको कमेंट्री से मार्गदर्शन लेके स्ट्रैटेजी चेंज कर दी है उन्होंने यहां पर। बिल्कुल, युद्ध क्यों ना हो, काफी अच्छी कम बैक करती हुई हरियाणा, जिस प्रकार से दोनों प्लेयर से लेकर दो कीपर स्कोर। चेस नंबर 12 रेड के लिए तैयार, 22 अंक यहां पर हरियाणा के पास और चंडीगढ़ के पास 10 अंक। बिल्कुल कुछ समय पहले चंडीगढ़ ने थोड़ी वापसी करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर से एक बार हरियाणा के खिलाड़ियों ने वापस की है, अंक में अच्छी बढ़ोतरी यहां पर हरियाणा के लिए। हरियाणा चंडीगढ़ के बीच खेला जा रहा है इस मैच, दूसरा टाइम आउट। फर्स्ट हाफ चल रहा है अभी और 12 अंक की लीड यहां पर हरियाणा के पास है, चंडीगढ़ 10। हालांकि शोएब, जिस प्रकार से ये पहला हाफ शुरू हुआ था और पहले ही हाफ के भीतर ही हरियाणा ने चंडीगढ़ को ऑल आउट कर दिया था, लेकिन फिर भी हरियाणा ने बहुत अच्छी वापसी की यहां पर, जिस प्रकार से ये मैच शुरू हुआ। जर्सी नंबर 7 हिमांशु, हरियाणा की रेड, जर्सी नंबर 4 के रेडर राकेश रेड के लिए तैयार, और यहां पे बैक की कोशिश, और इस बार मिड लाइन से पहले एक डैश कर दिया, हरियाणा को मिला है एक अंक। देखिए रेडर ने जरूर कोशिश तो की थी, लेकिन बहुत अच्छा डिफेंस वहां पर हरियाणा के द्वारा। इस बार हरियाणा के रेडर जर्सी नंबर 12 इस बार बहुत अच्छा टैकल वहां पर चंडीगढ़ का। फिर से एक बार मंजीत आए हैं रेड के लिए, फिर से एक बार मंजीत अच्छी कोशिश करते हुए, हल्का सा स्ट्रेच वहां पे करते हुए, हालांकि 4 ही खिलाड़ी मौजूद और जब खिलाड़ी कम होते हैं तो अंक लेने में मुश्किल होती है रेडर को। हरियाणा के खिलाड़ी रेड के लिए तैयार, हरियाणा 23 चंडीगढ़ 11 अंक। पहला हाफ चल रहा है अभी,
चंडीगढ़ के रेडर हिमांशु। हरियाणा के पास अच्छी लीड है इस मैच में, चंडीगढ़ ने भी वापसी अच्छी की है जिस प्रकार से उनकी शुरुआत हुई थी, बहुत कम अंक उनके पास थे लेकिन फिर भी धीरे धीरे ही इस गेम में वापसी कर रहा है चंडीगढ़। देखना है कि हरियाणा अपनी लीड को बरकरार रखता है सेकेंड हाफ में भी, कोई अंक नहीं वहां पर, सेफ राइड। मंजीत रेड के लिए तैयार, इस बार टच पॉइंट की कोशिश। देखिए इस बार तो बहुत ही अच्छा टैकल, मंजीत को संभलने का मौका ही नहीं दिया, मंजीत बिल्कुल एंकल होल्ड किया और लेफ्ट कवर जीरो नंबर जर्सी के खिलाड़ी ने बहुत अच्छा कवर किया। देख सकते हैं आप रिप्ले में टीम वर्क। हरियाणा 24 और चंडीगढ़ 11 अंक। हरियाणा की रेड चेस नंबर 3, इस बार लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर और राइट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर, बिल्कुल यहां पर डबल अंकल होल्ड किया था, रेडर के पास कोई मुकाबला नहीं, छलांग लगाकर डिफेंस के ऊपर से निकलना चाहते थे लेकिन बहुत अच्छी पकड़ वहां पर। और इसी के साथ फर्स्ट हाफ के बाद हरियाणा 24 चंडीगढ़ 11। कोर्ट की अदला बदली होगी, क्या देखना है कि कोर्ट की अदला बदली के साथ किस्मत की भी अदला बदली होगी। चंडीगढ़ जो पीछे चल रहा है सेकेंड हाफ में बराबरी कर सकता है अंक की, और जो हरियाणा पहले हाफ में लीड ले चुका है क्या वो दूसरे हाफ में भी इस लीड को बरकरार रखता है। स्कोर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हरियाणा 24 और चंडीगढ़ 12 अंक पहले हाफ की समाप्ति पर। हाइलाइट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छा डिफेंस है वहां पर, बहुत अच्छा टीम वर्क हरियाणा का और उतनी ही अच्छा अटैकिंग भी है हरियाणा का, बहुत अच्छी कोशिश वहां पर। फिर से एक बार देखिए ऊपर से छलांग लगाकर निकल गए हरियाणा के रेडर, इस बार डबल थाई होल्ड किया था और अच्छा सा टैकल किया था वहां पर हरियाणा के खिलाड़ियों ने। इस बार चंडीगढ़ के खिलाड़ी अच्छा टीम वर्क हरियाणा का, और सेकेंड हाफ में यहां पर चंडीगढ़ को वापसी करनी होगी क्योंकि अंक। चलिए बैक टू लाइव एक्शन, हरियाणा रेड पर सेकेंड हाफ। हरियाणा 24 चंडीगढ़ 11, 11 अंक। क्या इस हाफ में सेकेंड हाफ में चंडीगढ़ वापसी कर पाता है या फिर हरियाणा अपनी लीड को और बढ़ाता है। हिमांशु चंडीगढ़ की ओर से रेड करते हुए हरियाणा के कोर्ट पर, बॉकलाइन टच करी और सीधे वापस अपने कोर्ट पर पहुंचे। जर्सी नंबर 4 हरियाणा के खिलाड़ी अपनी कदकाठी का अच्छा इस्तेमाल करते हुए, अच्छा स्ट्रेच करते हुए, अच्छे किक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छे ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं हरियाणा के खिलाड़ी। थोड़ा
थोड़ा सा समय लेते हुए, समय को किल करते हुए, और अक्सर देखा गया है कि जिस टीम के पास लीड होती है वो दूसरे हाफ में थोड़ा सा समय निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि समय हरियाणा के पास है पॉइंट बनाने का भी और पॉइंट बचाने का भी। हरियाणा 24, चंडीगढ़ 12 अंक। 47th जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2021 फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। ग्यारह नंबर की जर्सी पर खिलाड़ा इस बार बैक किक की कोशिश और टच पॉइंट यहां पर मिलेगा हरियाणा को। बहुत अच्छा अटैकिंग रहा है हरियाणा का, अटैकिंग डिफेंस बहुत ही अच्छा रहा है। हिमांशु फिर से एक बार रेड के लिए तैयार। शोएब आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स पर। इस बार हिमांशु को टैकल कर दिया हरियाणा की पूरी टीम ने, एक अंक मिलेगा यहां पर हरियाणा को, और हरियाणा की बढ़त बढ़ती जा रही है। फर्स्ट हाफ में भी हरियाणा ने बढ़त ली थी और इसी लीड को आगे बढ़ा रहा है दूसरे हाफ पर। बिल्कुल युद्धवीर, जिस प्रकार से पहले टाइम आउट पर हरियाणा लीड रही थी, लेकिन दूसरे टाइम आउट के मौके पर चंडीगढ़ काफी अच्छी कमबैक की थी, और साथ ही साथ फिर से एक बार हाफ टाइम का जो मसला चल रहा है, लेकिन इस गैप में पूरी तरीके से प्रेशर डालकर हाफ ऑफ द पॉइंट आगे ले लीड में रही हरियाणवी टीम। देखिए समय को किल कर रहे हैं यहां पर हरियाणा के खिलाड़ी, क्योंकि वो जानते हैं उनके पास लीड ज्यादा है, और इस बार सुपर टैकल का मौका है चंडीगढ़ के पास, क्योंकि तीन ही खिलाड़ी मौजूद हैं उनके कोर्ट पर, और बार बार हरियाणा के जर्सी नंबर 4 के खिलाड़ी बार बार रेड कर रहे हैं। इस बार भी थोड़ा सा समय वो किल करेंगे शोएब, जिस हिसाब से वो रेड कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से लीड ज्यादा रहा तो उसको संभाल कर लेकर चली होगी, यही कर दिखा रहे हैं यहाँ पर हरियाणवी, जा रहे हैं ये टाइम किल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हालांकि अटैकिंग गेम नहीं खेल रहे हैं वहां पर, क्योंकि वो जानते हैं कि जितना महत्वपूर्ण पॉइंट लेना है उतना पॉइंट देने से बचना भी है। बिल्कुल मैं आपके पास सहमत हूँ, और ये 12-26 चंडीगढ़ 12 और ये हरियाणा 26, एक मजबूत स्थिति पर प्रदर्शन यहाँ पर हरियाणवी टीम का। हालांकि और यहां से अगर एक भी प्लेयर देखिए कितनी अच्छी तरीके से स्ट्रेच कर रहे हैं, बिल्कुल राइट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर, इस बार एंकल होल्ड किया और एक ही खिलाड़ी ने उन्होंने बिल्कुल डैश किया जर्सी नंबर 1। काफी अच्छा निपट गया यहां पर सुपर टैकल, जिस प्रकार से एंकल होल्ड करते हुए एकदम छलांग लगाकर पीछे खींच दिया वहां पर फील्डर को, राइडर को, लेकिन 13-26 राकेश फिर से एक बार रेड के लिए तैयार, इस बार किक करने की कोशिश, बिल्कुल अपनी कद और काठी का बिल्कुल इस्तेमाल कर रहे हैं। लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर, और इसी के साथ यहां पर एक पॉइंट जरूर मिलता हुआ हरियाणवी टीम को। 13-27 वेरिएशन काफी लंबा रहा, लेकिन और यहां पर आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं यहां पर, और यहां से गेम स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी चंडीगढ़ को, लेकिन चंडीगढ़ जिस प्रकार से गेम अप्लाई करती है यहां पर तो समय ही बताएगा। स्ट्रॉन्ग राइडर्स रहे हरियाणी टीम की, उतनी मजबूत डिफेंस नहीं नजर नहीं आ रही है युद्धवीर चंडीगढ़ की, बिल्कुल डिफेंस भी कमजोर है और ऑफेंस भी उनका उतना मजबूत नहीं रहा इस मैच में। चंडीगढ़ ने भरपूर फायदा उठाया, पहले ही हाफ में लीड बना के रखी है, और इसी लीड को मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बचा के रख रहे हैं सेकेंड हाफ के लिए। सुपर टैकल का मौका यहां पर चंडीगढ़ के लिए, बिल्कुल समय यहां पे गंवाना भी एक स्ट्रैटेजी होती है, उसी स्ट्रैटेजी के तौर पर आप देख सकते हैं शोएब राइडर बिल्कुल हरकत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं उनको समय निकालना है, जितना समय निकाल सकते हैं वो निकाल रहे हैं। जी हाँ, बड़े आराम से यहाँ पर समय का किल कर रहे हैं, और साथ ही साथ चंडीगढ़ के राइडर तेज गति से कोर्ट में प्रवेश होते हुए
ये भी उतने ही आसान से कम बैक करते हुए एम्प्टी राइड, कोई पॉइंट नहीं मिला। और यहां से अगर राइडर को निपटते तो समझो आपको सुपर टैकल का मौका बन सकता है। और छलांग लगाई, पकड़ दिया और ये सुपर टैकल। और इस बार नाखुश। बिल्कुल सुपर टैकल, जी हाँ, रिप्ले में देख सकते हैं। छलांग लगाना चाहते थे लेकिन होल्ड कर दी थी वहां पर, थाई होल्ड भी किया था। और एक खिलाड़ी जो लॉबी के बाहर जा रहा था उसके ऊपर भी एम्पायर की नजर थी, इसलिए डिसीजन थोड़ा सा लेट आया, लेकिन यहां पर बहुत अच्छा सुपर टैकल। बैक टू द मैच, हरियाणा चंडीगढ़ के बीच, हरियाणा 27 चंडीगढ़ 16, 47 जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप एट सूर्यापेट तेलंगाना स्टेट। जिस प्रकार से नेशनल टूर्नामेंट ही, लेकिन स्टैंडर्ड के बारे में आप क्या कहते हैं यूथ? बिल्कुल, नेशनल मैच हो रहे हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यहां पे मेंटेन किया गया है। बबलू जो रेड के लिए आए हैं चंडीगढ़ की ओर से, एक अंक यहां पर मिला चंडीगढ़ को। चंडीगढ़ के पास तीन ही खिलाड़ी, फिर से एक बार मुझे ऐसा लग रहा है कि समय किल करेंगे, जितना हो सके यहां पर हरियाणा समय को किल करने की कोशिश करेगा। जी हाँ, स्ट्रैटेजी यही तो स्ट्रैटेजी है इनकी, और यहां से सेकंड हाफ तक ले जाएं और साथ ही साथ मैच में कमबैक करने का मौका ही ना दे। हालांकि चंडीगढ़ एक प्रेशर में जरूर महसूस होती हुई नजर आती हुई। जर्सी नंबर 3 मंजीत राइट के लिए। मंजीत बहुत अच्छी रेड कर रहे अपनी टीम के लिए, और जिस तरह से इन्होंने इस मुकाबले में रेड की कोशिश की लेकिन इस बार नाकामयाब। बहुत अच्छा डिफेंस वहां पर हरियाणा की टीम का, एंकल तो होल्ड किया ही किया लेकिन पूरी टीम वर्क। इस बार देखिए फिर से एक बार सुपर टैकल का मौका, दो खिलाड़ी, लेकिन इतना आसान नहीं होता। जी हाँ बिल्कुल, और इसी के साथ फिर से एक बार भरपूर कोशिश यहां पर, लेकिन और लपटने की कोशिश, लेकिन एंगल होल नहीं कर पाए। नतीजा पॉइंट जरूर मिलता हुआ हरियाणा टीम को। देखिए तीन खिलाड़ी होते तो जरा चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन दो खिलाड़ियों में एक सुपर टैकल कमी होता है। और इस बार रेड के लिए पहुंचे चंडीगढ़ के जर्सी नंबर 2 रिंकू। बहुत अच्छी किक वहां पर, बहुत अच्छी तेजी से साथ। और जब आप खिलाड़ी बदलते हैं तो फ्रेश लेग्स आपको खेलने को यहां पर मिलते हैं, उसी का फायदा उठा रहे रिंको। हरियाणा के कोर्ट का बहुत अच्छा इस्तेमाल, राइट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर कोशिश भी बहुत जा रही है, और इस बार बहुत ही अच्छा टैकल वहां पर। और इसी के साथ ऑल आउट, और साथ ही साथ एक और तीन, एक पॉइंट चंडीगढ़ को मिलता हुआ और एक तीन पॉइंट हरियाणवी टीम को मिलता हुआ। जिस प्रकार से ऑल आउट हो चुकी है चंडीगढ़ टीम, आंकड़ा काफी लंबा रहा। फुल टीम लेकर फिर से एक बार चंडीगढ़ कोर्ट पर मौजूद, और राइडर आए हैं जर्सी नंबर 4 हरियाणवी के राइडर। इनका स्ट्रैटेजी बस एक ही स्ट्रैटेजी, और जब राइड पे आए वो 30 सेकंड का जो टाइम रहा वो खेल करें, ताकि अगेंस्ट अपोनेंट टीम को मौका ही ना दे। और इस मैच में दूसरी बार ऑल आउट हुआ है चंडीगढ़, अंक तो बिल्कुल हरियाणा के पास है। राकेश रेड के लिए तैयार, और ये एंकल को टच किया है वहां पर, अपील की है एम्पायर से, कोई अंक नहीं। फिर से एक बार समय को यहां पर किल करते हुए, समय निकालते हुए, क्योंकि वो जानते कि जितना समय दूसरे के कोर्ट पर वो निकालेंगे जीत के उतने करीब वो पहुंचेंगे। जी हाँ बिल्कुल, मैं सहमत हूं आपकी बात से। हरियाणा और चंडीगढ़ जर्सी नंबर 7,
राइडर अभी भी मैदान बचर से नंबर फोर मैदान और राइडर अभी आए हैं और यहाँ से कोशिश कर रहे हैं, पहले बोनस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, लेकिन अरे बोनस के मौके पे ओ हो, और ये देखी जाए, देखना ये होगा कि कितने पॉइंट यहाँ पर। बहुत बढ़िया रेड यहाँ पर, बहुत बढ़िया रेड, बहुत ही सुपर से ऊपर रेड ये जाएगी। जिस प्रकार से एम्पायर जांच कर रहे हैं कितने खिलाड़ियों को ये रेडर ने आउट किया, देखिए चार अंक यहां पर मिले, सुपर से ऊपर, सुपर डुपर रेड। आप रिप्ले में देखिए कितनी अच्छी तरीके से रेडर ने अपने आप को संतुलन बरकरार रखा और चार खिलाड़ियों को आउट किया। एक अच्छी अंक में बढ़ोतरी यहां पर चंडीगढ़ की ओर से, और हरियाणा के रेडर फिर से एक बार छलांग लगाई लेकिन मिड लाइन तक जा नहीं पाए। बहुत अच्छा वहां पर टीम वर्क चंडीगढ़ का, मौका बन सकता था वहां पर, लेकिन रिप्ले में देखते हैं जिस प्रकार से छलांग लगाए थे और प्लेयर के ऊपर से जाने की कोशिश थी, लेकिन वहां पर जो कमबैक करने का मौका ही नहीं दिए, और इस बार किक बैक किक मारकर एक अंक लेकर वापस आए चंडीगढ़ के खिलाड़ी, और धीरे धीरे इस गेम में बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है चंडीगढ़। और श्रृंखला में धीरे धीरे मैच में वापसी करते हुए चंडीगढ़ टीम, और हरियाणा की मात्र एक ही प्लेयर वो भी राइडिंग पर। जी हाँ, बोनस तो जरूर यहां पर कोशिशें बरकरार, अगर ये ऑलआउट ऑलआउट बॉल प्लस बोनस का एक पॉइंट जरूर मिलता हुआ 23-34। और इस मैच में पहली बार हरियाणा की टीम ऑलआउट हुई, हालांकि चंडीगढ़ की टीम दो बार ऑलआउट हो चुकी है, ऐसी फुर्ती इन्हें पहले से दिखानी चाहिए। फिर भी अभी भी समय थोड़ा सा है, वापसी कर सकते हैं, क्योंकि जब ये चार पॉइंट ले रहे हैं, अच्छा खेल दिखा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल ये मुकाबले भी पिछले मुकाबले की तरह कड़ा मुकाबला होगा। जी हाँ, जिस प्रकार से काफी समय था वहां पर कमबैक करने का, लेकिन फर्स्ट हाफ में ही अच्छी सी कमबैक यहां पर हरियाणवी टीम को ऑल आउट कर एक मजबूत स्थिति पर की ओर आगे बढ़ती हुई चंडीगढ़ टीम 26 पॉइंट लेकर चंडीगढ़, और हरियाणवी टीम 34 पॉइंट, और यहां से फर्स्ट हाफ समाप्त, और दूसरा हाफ मैदान पर जारी। यस, बैक टू द मैच, 47th जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप एट सूर्या पेट तेलंगाना स्टेट, और ये आते ही सफलता प्राप्त करने की कोशिश, और काफी अच्छी एंकिल होल्ड, बिल्कुल राकेश वहां पर टो टच करके पॉइंट हासिल करना चाहते थे और हरियाणा के खिलाड़ी ने एंकिल को होल्ड किया। हरियाणा के रेडर जर्सी नंबर 4, फिर भी शोएब इस मुकाम पर हरियाणा के पास एक अच्छी सी लीड है, फिर से एक बार समय को किल करने की कोशिश, जितना समय वो बिताए ओपोनेंट के कोर्ट पर उतना उनको एडवांटेज है। जी हाँ, यही कर दिखा रहे हैं यहाँ पर हरियाणवी टीम, हालांकि मैच में धीरे धीरे वापसी करती हुई चंडीगढ़, लेकिन चंडीगढ़ यहाँ से वो मिस्टेक नहीं करनी होगी जिस प्रकार से सेकंड हाफ शुरुआत में जो की थी, आखिरी क्षणों में वही कर दिखाना होगा, अटैकिंग गेम प्रदर्शन करनी होगी यहाँ पर, एक पॉइंट प्रॉप करती हुई यहाँ पर चंडीगढ़ 27। फिर से एक बार जर्सी नंबर रेडर चार बार बार रेड कर रहे हैं हराने के लिए चंडीगढ़ के कोर्ट पर, फिर से एक बार समय निकालने की कोशिश, जिस प्रकार से हरियाणा की स्ट्रैटेजी है टाइम निकालने की, मैं समझता हूं शोएब कि यहां पर चंडीगढ़ को अटैक करना होगा, जितना ज्यादा वो अटैक कर सके, जितना ज्यादा पॉइंट वो बना सके, उतने जल्दी वो जीत के नजर जाएंगे। जी हाँ, अटैकिंग में दबदब तो थोड़ी बहुत दिक्कतें भी जरूर बढ़ती रहती है, जिस प्रकार से रॉयडर टैंकिल भी हो, टच भी अगर कर लिए तो पॉइंट भी बिल्कुल मिलता है यहाँ पर, देखिए इसी प्रकार के अटैकिंग गेम करने गए तो लीजिए इस प्रकार की डिफेंसिव होगी वहां पर अपने टीम से, और इसी के साथ एक एक पॉइंट जरूर, एक शोर से बोनस और दूसरे शोर से पॉइंट हासिल करते हुए हरियाणवी टीम। फिर से बार राइडिंग के लिए आए हैं राइडर, हरियाणा के राइडर हल्के से स्लाइड होती हुई जर्सी नंबर 12, जर्सी नंबर 4 राकेश रेड
के लिए तैयार। इस बार देखिए मिड लाइन से बिल्कुल दूर रह गए राकेश, हरियाणा को मिलेगा एक पॉइंट। हालांकि कोशिश जरूर की थी राकेश ने, अगर मिड लाइन को टच करते तो फिर से एक बार बहुत ज्यादा यहां पर नुकसान हो सकता था हरियाणा के लिए। हरियाणा के खिलाड़ी रेड के लिए तैयार। जी हाँ बिल्कुल, फिर से एक बार स्ट्रैटेजी अपनाते हुए हरियाणवी टीम, चंडीगढ़ 29-37 हरियाणा। जर्सी नंबर 4 फिर से रेड के लिए आएंगे और समय निकालेंगे। पिछले 4 रेड में जर्सी नंबर 4 यही करते आए हैं और इस बार जर्सी नंबर 7 चंडीगढ़ की ओर से रेड करते हुए हिमांशु। इस बार बोनस पॉइंट की कोशिश भी करेंगे हिमांशु, लंबा सा स्ट्रेच करते हुए, लेकिन कोई यहां पर बिल्कुल पॉइंट लेकर जाते हुए। धीरे धीरे चली घर कम बैक करते हुए युद्धवीर, हालांकि 10 पॉइंट की लीड तो देखने को मिले थे, लेकिन और इस बार के मात्र 7 पॉइंट लीड लेकर हरियाणवी टीम। ऐसा लग रहा है कि चली घर सेकंड हाफ के बाद पूरी तरह से टूट कर पड़ रही है अगेंस्ट अपोनेंट टीम पर। बिल्कुल इंप्रेसिव गेम आपको दिखाना ही होगा, आपको अटैकिंग गेम दिखाना ही होगा। क्यों बोलते, जब हरियाणा का स्ट्रैटेजी अलग है, वो टाइम किल करना चाहते हैं, तो आपको ही कुछ ना कुछ एक्शन दिखाना होगा। यस सूर्य पेट के शाहरुख खान ऐसे लग रहे थे युद्धवीर। बिल्कुल दर्शकों की उत्साह को देख के ही बताए शोएब, बड़ी मात्रा में, बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में इस टूर्नामेंट में पहुंचे दर्शक, और ना बल्कि वो तेलंगाना के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे हैं, बाकी जितने भी खिलाड़ी यहाँ पे पहुंचे उन सभी का उत्साह बढ़ा रहे हैं। सूर्यापेट के निवासी और सूर्यापेट क्षेत्र के आसपास जितने भी लोग रहते हैं वो सभी यहाँ पहुंचे हैं सभी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए। और यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इस बार भरपूर प्रयास, लेकिन ये सब स्ट्रैटेजी थी, लेकिन और इसी के साथ रिप्ले में देख सकते हैं जिस प्रकार से छलांग लगाकर जाना चाहते थे, लेकिन जर्सी नंबर 9 के गर्दन के ऊपर से जाती हुई प्रयास, लेकिन पूरी टीम काफी अच्छी वापसी और इसी के साथ एक पॉइंट जरूर हरियाणा के खाते में। धीरे सही चंडीगढ़ अंक तालिका में हरियाणा के नजदीक नजदीक पहुंच रहा है और हरियाणा के पास जो लीड है उस लीड को बरकरार कर रखना पड़ेगा। हरियाणा के रेडर यहां पे देखिए तो टच करने की कोशिश, इस बार बिल्कुल बोनस लाइन के अंदर तक घुसे थे इसलिए उनको पलटने का मौका नहीं मिला, वहां पर टैकल हो गए रेडर। अच्छा खेल यहां पर दिखा रही है सेकेंड हाफ में, जिस प्रकार से आपने कहा है कि सेकेंड हाफ में बहुत अच्छा वापसी कर रही है चंडीगढ़ की टीम। और साथ साथ पासिंग एक्यूरेसी भी देखने को मिल रही है यहाँ पर और इसी के साथ पहला इनका अटेंशन जो रहा बोनस पॉइंट के ऊपर अटेंशन करने की कोशिश की थी, लेकिन डिफेंसिव फील्डर्स पूरे आगे आने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ से समय किल करने का फिर से एक बार स्ट्रैटेजी अपना पर्सनल स्ट्रैटेजी अपनाते हुए। बिल्कुल सेम राइडर सेम स्ट्रैटेजी, किल द टाइम, जितना समय आप निकालेंगे उतनी जीत के नजदीक आप। जी हाँ, हालांकि मात्र ज्यादा डिफरेंसेस था, लेकिन धीरे धीरे वो डिफरेंसेस कम होते आ रहा है युद्धवीर यहाँ पर और अटैकिंग गेम करते हुए, लेकिन छलांग लगाने की कोशिश एक अच्छी अथाई एंगल होल्ड की थी हरियाणा को और एक पॉइंट यहाँ पर जरूर अपने खाते में डालती हुई। डबल थाई होल्ड, ऐसे जैसे उछलते हुए हिरण को पकड़ लिया उन्होंने। फिर से एक बार जर्सी नंबर 4 लीजिए, सब किल करने के लिए आए हैं। यस एक गेम बरूर, ओहो यही करना होगा, यही करके दिखाया सफलता यहां पर, 2 पॉइंट जरूर। बिल्कुल जितने भी रेड इस रेडर ने किए थे चंडीगढ़ की डिफेंस ने कोशिश नहीं की थी, लेकिन इस बार चंडीगढ़ की डिफेंस ने कोशिश की और अंक मिले हरियाणा को। और जर्सी नंबर 3 मंजीत रेड के लिए तैयार, इस बार एंकल होल्ड किया और राइट कवर और लेफ्ट कवर ने कोई मौका नहीं छोड़ा रेडर को दबोचने के लिए, बहुत अच्छा टैकल यहां पर।
और यहाँ पर मात्र दो ही प्लेयर सब बचे हैं, देखना होगा हरियाणा के राइडर क्या करते हैं यहाँ से, क्या ये पॉइंट लेकर जाते हैं, लेकिन समय को फील करते हैं, लेकिन यही किया समय खेल करने का स्ट्रैटेजी अपनाई और साथ ही साथ दग अंक का बढ़क यहाँ पर देखने को मिल रहा है 32-42। जी हाँ 10 अंक का बढ़क यहाँ पर फुल टीम लेकर हरियाणवी टीम मात्र दो प्लेयर से चंडीगढ़। जब बड़ा मुकाबला होता है, अच्छे खिलाड़ी आमने सामने होते हैं, तो इसी प्रकार का खेल हमें देखने को मिलता है। कभी पाला इस तरफ भारी होता है तो कभी पाला उस तरफ भारी होता है। जर्सी नंबर 5 प्रदीप रेड के लिए तैयार। देखिए स्ट्रेच करके टच पॉइंट करने की कोशिश, इस बार टो टच करने की कोशिश, चंडीगढ़ को मिला एक पॉइंट। चंडीगढ़ के पास सुपर टैकल का मौका, हालांकि पिछली बार उन्होंने जर्सी नंबर 4 को रोकने की कोशिश की थी और दो पॉइंट गवा बैठे थे। मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई वो कोशिश करेंगे, क्योंकि दो ही खिलाड़ी मौजूद हैं। और इसके साथ हरियाणा यह मुकाबला जीते हुए बिल्कुल जिस प्रकार से उन्होंने पहले इनिंग में लीड ली थी उसी लीड को बरकरार उन्होंने रखा। लेकिन चंडीगढ़ की तारीफ करनी चाहिए कि पहले हाफ में पिछड़ने के बाद दूसरे हाफ में बहुत अच्छी कोशिश जरूर की उन्होंने, और इसी के साथ जीत हासिल करती हुई हरियाणा टीम वन द मैच। कंग्रेचुलेशन। और साथ ही साथ और